और बीजेपी के उत्तर प्रदेश सरकार में वित्त और चिकित्सा शिक्षा स्वास्थ्य मंत्री सुरेश खन्ना ने सपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि पुरानी सरकारों में अटैची चोर से लेकर माफिया सरगना तक अपने आप को बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में महसूस करते थे। हर प्रकार की छीना छपटी, हर प्रकार का दुस्साहस उस समय की सरकार में सरकारी संरक्षण में होता था। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों में व्यापारी वर्ग परेशान था। 2017 से पहले कोई भी उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री आना नहीं चाहता था। उद्योग चलाने वाले व्यापारियों का कहना था कि अगर हमारे उद्योगों में बैरिंग लग जाते तो हम गुजरात लेकर चले जाते, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इस दौरान उन्होंने कहा कि योगी सरकार में पिछले 5 सालों में तेजी से विकास हुआ है और यूपी की देश में छवि भी बदली है। और जिसने उत्तर प्रदेश की भी तस्वीर और तकदीर बदलने में कोई कोई कसर नहीं छोड़ी। आज 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में कोई इन्वेस्टर आना नहीं चाहता था। लोग कहते थे हमसे, शाहजहांपुर के एक इंडस्ट्रीज बड़े इंडस्ट्रीज मुझसे कहते थे, खन्ना जी अगर बेरिंग लगा के मेरी इंडस्ट्री यहां से गुजरात जा सकती होती तो हम गुजरात के लिए जाते बेरिंग लगा। लेकिन बेरिंग लगते नहीं इंडस्ट्री में। लोग इतने परेशान थे क्योंकि वो सरकार पूरी तरीके से अपराधियों को संरक्षण देने में मशगूल थी। उस समय अटैची चोर से लेके माफिया सरगना तक अपने आप को बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में महसूस करता था।